नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे गुजरात की खबर के साथ, जहां गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ तेज हो गई हैं। बता दें, वडोदरा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए डेटिंग डेस्टिनेशन बनाने का वादा किया है। इससे वडोदरा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी ने तंज कसा है कि जैसा संस्कार है कांग्रेस वैसा ही बात कह रही है। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। वडोदरा कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वडोदरा को संस्कारी नगरी कहा जाता है, लेकिन इस संस्कारी नगरी में कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए डेटिंग डेस्टिनेशन सेंटर बनाने का वादा किया गया और इसी वादे के साथ जो है एक बार फिर से गुजरात में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो कांग्रेस ने डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा किया है, जिसको देखते हुए लगातार बीजेपी ने हमला बोलते हुए ये कहा है कि जैसे संस्कार है वैसा ही वादा किया है कांग्रेस ने। और लगातार सियासत जो है, फिलहाल गुजरात में 6 निगमों में चुनाव होने हैं, 6 नगरों में चुनाव होने, इसको देखते हुए लगातार सियासत फिलहाल गर्मा चुकी है। तो कांग्रेस ने डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा किया, जिसको देखते हुए फिलहाल कांग्रेस ने हमला बोला है। लगातार बीजेपी भी हमलावर है और बीजेपी ने यह कहा है कि जैसे संस्कार है वैसा ही वादा किया है। तो गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। वडोदरा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए डेटिंग डेस्टिनेशन बनाने का वादा किया है। तो इससे वडोदरा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है और लगातार बीजेपी फिलहाल कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में हुए वादों को लेकर लगातार घेर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेटिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के वादे पर बीजेपी ने तंज कसा है और वही वडोदरा बीजेपी के पूर्व मेयर भारत डंगा का कहना है कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं वे वैसा ही बात करते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरजीत गुल्लर हैं। गुल्लर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गुल्लर जी, कांग्रेस ने डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा किया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी अक्सर बाहर जाते रहते हैं, अलग अलग विदेशों में जाकर वो डेटिंग का सिस्टम देखते रहते हैं। शायद उनके ख्याल में कोई होगा ऐसा कि वो अब गुजरात के अंदर भी ऐसा कुछ मैसेज लेके आना चाहते होंगे, कुछ बनाना चाहते होंगे। और उनका अगर विजन ऐसा है तो उसके लिए खुद वो बता सकते हैं कैसा विजन है उनका। ठीक है, लेकिन लगातार बुल्लर जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी फिलहाल हमलावर हो गई, उसी कड़ी में बीजेपी ने ये भी कहा है कि ये जो आइडिया है वो राहुल गांधी का ही होगा। बिल्कुल जी, मैंने वही बात बोली है कि आइडिया जो है राहुल गांधी का ही हो सकता है, क्योंकि उनकी सोच जो है वो आपको पता ही है कि हर साल जैसे वो बीच में चाहे इलेक्शन हो चाहे कोई पार्टी के ऊपर कोई विपता हो, उसके बाद ही वो गायब हो जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन एक ना मीडिया को पता होता है, ना सरकार को पता होता है, ना किसी और को पता होता है, ना पार्टी वर्करों को पता कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन वो जैसा मैसेज अब दे रहे हैं गुजरात के लिए, हो सकता है कि उनकी ये सोच का ही एक मैसेज हो। और मुझे लगता है कि आप बताइए कि वो सोच किस तरफ लेके जा रही है और नौजवानों के लिए वो कैसा मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है ना भुल्लर जी, जिस तरीके से गुजरात में कैफे सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, तो वो सरकार ने बंद कर दिए और फिलहाल जो गरीब बच्चे हैं, गरीब युवा वर्ग है, वो कहाँ जाएगा? और उसी को देखते हुए उन्होंने ये मैनिफेस्टो में वादे किए हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए, जो कैफे सेंटर होते हैं वहाँ पे अगर आप एक कॉफी का कप भी पीने जाते हैं तो 150-200 रुपए से कम नहीं आता है। तो राहुल गांधी जी किन गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं? क्या किसी घर का गरीब बच्चा उन कैफेटेरिया के अंदर जाकर के बैठ करके कॉफी पीता है क्या? और मुझे समझ लगती है इनकी सोच कहाँ पे जा रही है कि किन गरीब बच्चों के लिए ये कौन से कैफेटेरिया शुरू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते शुक्ला जी। कांग्रेस ने गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए एक मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें ये वादा किया है कि अगर हम आते हैं तो हम डेटिंग डेस्टिनेशन देंगे सबको, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, ये अभी हाइपोथेटिकल गवर्नमेंट चलाएंगे लेकिन संभव नहीं है।
अभी लोकल में ये जैसे किसानों का फायदा मिल गया है पंजाब में, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्योंकि इनके पास टीम नहीं है, किसानों की तरफ कहाँ जा रहे हैं, और टीम नहीं है तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से मैनिफेस्टो बहुत सी चीजें दी थी 2019 में जो उन्होंने दिया था, कार्य नहीं हो पाया। आज उसी कारण जो है स्टेट लेवल पे पार्टी को आना बड़ा मुश्किल है। हम लोग खुद इनको समझाना चाह रहे हैं कि आप पहले तो प्रेसिडेंट के चुनाव करिए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए, या आप ही बनिए, क्योंकि जब तक टीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी कांग्रेस की कोई वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में सब एक से एक घुटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और वो सारे लोग जानते हैं सिस्टम ऑपरेट करना। तो अब ये कुछ भी बयानबाजी दे देना और कुछ भी कर देना संभव नहीं है, और आगे चल के बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बंदा जो अपोजिशन में है वो तो बहुत घुटा हुआ पॉलिटिशियन, तो वो तो अपना जो भी वर्क करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, अपने सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है शुक्ला जी, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो आइडिया है डेटिंग डेस्टिनेशन का, ये राहुल गांधी का ही होगा। हो सकता है होगा, लेकिन अब इसके बारे में जरा स्टडी करके रिसर्च करके देखा जाए तो पता चलेगा, क्योंकि ये काफी अभी तक जो भी चीजें हैं नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे सब निगेटिव है और अच्छा नहीं है अभी कांग्रेस की पोजीशन। हरजीत बुल्लर जी, आनंद शुक्ला जी तो मान रहे हैं कि आइडिया राहुल जी का ही होगा। जी नहीं, मुझे तो यही पता नहीं चला है कि शुक्ला जी बोलना क्या चाहते थे, वो अपनी कांग्रेस पार्टी के हक में बात कर रहे थे या उसके विरोध में बात कर रहे थे, यही समझ में लगता है। की बात इनको देख एक्चुअल में पता भी है या नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं लगता। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर कोई अभी ऐसा पकड़ रखने वाला कोई लीडर नहीं है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर हो। राहुल गांधी की आज की डेट में पकड़ जो है वो छुट्टी जा रही है, ना उनके राजस्थान के मुख्यमंत्री मांगते हैं ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री उनकी मांगते हैं आज की डेट में। तो वो अपनी सोच के मुताबिक, चाहे वो इटली की सोच लेके आए चाहे वो कहीं की सोच लेके आए, उसके मुताबिक अगर वो मैनिफेस्टो लेके आते हैं तो मंदभागा है वो। आप हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से खेलना क्यों चाहते हैं? जो यहाँ का कल्चर है आप उसको डेवलप कीजिए ना, उसके लिए आपको रोका किसने है? तो शुक्ला जी इसके लिए क्या जवाब दे सकते हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो इसकी बात राहुल गांधी के हक में बोल रहे हैं कि उसके विरोध में बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि उनका टीम वर्क स्टार्ट करे। आप क्या सोचते हैं कि जो जितना भी वर्क होता है बीजेपी का, क्या वो मोदी जी का थॉट है या उन्हीं का थॉट ओरिजिनेशन है? बिल्कुल नहीं, एक से एक बीजेपी में बैठे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात बंद कर दिए भाई। कैफेटेरिया में गरीब बच्चा जाता कौन था? मैं एक बात मेरी सुन लीजिए, शाम को पता नहीं है वो क्या कॉफी पीने के लिए यार कैफेटेरिया के मिल जाएगा? अरे मेरी पहले बात तो सुनिएगा, आप क्यों घुमा रहे हैं? मैं सीधे सीधे प्रोडक्शन पे बता रहा हूँ। आपका प्रोडक्शन नेट जीरो है, सेंसर सारा नीचे जा रहा है, सारा जीडीपी जा रहा है। ये इंडिकेटर सुनिए, आप अपने आप से गवर्न नहीं हो रहे हैं, आप पैंडेमिक से गवर्न हो रहे हैं। बताइए कि जो राहुल गांधी ने आज बात की है उस पर बात कीजिए ना। हाँ, वो हो सकता है उनका अपना 100%। तो शुक्ला जी, आपको लगता है युवाओं को लुभाने का जो ये पूरा वादा किया गया कितना कारगर साबित होगा आपकी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए? मैम बीजेपी तो गुजरात से लूज करेगी और यूपी से, दो जगह से तो लूज करेगी, आपको 100% बता दे रहा हूँ। तीसरी चीज, अभी वहाँ पे शायद बंगाल में थोड़ा बहुत संभाल लें, क्योंकि इमेज काफी मोदी जी का डाउन हो गया है और इस चीज को उठाने में बहुत टाइम लगेगा। आप एक बात बताइए, जितने भी ये काम किए हैं, जीएसटी का काम किए हैं या फिर ये एमएसपी का काम किए हैं, ये किसका बनाया हुआ है? तो कांग्रेस का ही तो बनाया हुआ है। ठीक है, आप देख जी। आप जीएसटी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वादा खुद आपकी सरकार ने किया, आपकी पार्टी ने किया है खुद, ये डेटिंग डेस्टिनेशन का कितना कारगर साबित होगा? मैम कम से कम 70% साबित हो जाएगा। ठीक है हरजीत जी, 70% कह रहे हैं वो? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं तो वही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि शुक्ला जी को मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का पता ही नहीं है और डिबेट के ऊपर ये लोग आ गए। ये कह रहे हैं कि जो आपका यूपी है, यूपी में गुजरात में जो है बीजेपी खत्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कांग्रेस कहाँ पे बच जाएगी वो बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, बात की जा रही है डेस्टिनेशन को लेके जो खोले जा रहे हैं उसके लिए जो बेनिफिट में आया है, ये बात करते हैं जीएसटी की। भाई आप मुद्दे की बात पे आइए ना,
आप उसके ऊपर बताइए, आप कहते हैं 70% नहीं, आपने कहा था कि ये उनका नहीं है, तो भाई यही बताया कि ये कांग्रेस की जितनी भी प्लानिंग है वही आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। हिंदुस्तान के युवा को वेस्टर्न कल्चर में डाल के रखे, आप उससे वोट लेना चाहते हैं? आप क्या आप एक बार बताइए कौन सा वेस्टर्न कल्चर नाम की चीज नहीं है? इंटरनेशनल कल्चर चल रहा है। उनके लिए नए कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, आईटीआई खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। लेकिन शुक्ला जी, युवाओं को लुभाने के लिए क्या केवल डेटिंग डेस्टिनेशन जैसे चीजें ही रह गई हैं, ये बताइए? नहीं, बहुत कुछ चीजें हैं, यूनिवर्सिटी खोलना, सेम टू एम्प्लॉयड वर्क देना, यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम वर्क देना, बहुत सी चीजें हैं। आपको खुद मालूम है तो ऐसे वादे क्यों किए गए मैनिफेस्टो में? अब वो मैनिफेस्टो में इसलिए दिया गया था, जैसे कि किसानों का मसला था वो मैनिफेस्टो में इनका था, लेकिन ये चूंकि पावर में नहीं आए, नहीं तो आज मसला साल हो गया होता, आज 80 दिन से बेचारे पड़े हुए हैं। कौन से मामलों में कौन सी चीजें उलझे हुए हैं इनको ये नहीं पता? कांग्रेस ने क्या किया था, बीजेपी ने क्या किया है? आप बताइए क्या, कौन सी चीजें आपने किया? रंगीन नोटे चला दी चूरन वाली, आपने कौन सा जॉब दे दिया? आप बताइए, हमारे सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं मिर्चा धनिया वाले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया। आप कौन सी इंडस्ट्री ला दिए? लेकिन एक बात बताइए, मैनिफेस्टो के अंदर नौजवानों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, कोई मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ कोई उनके लिए लाइब्रेरी बनाने की बात नहीं कर सकते थे? आपको नहीं, वो है हम लोग के पास, डेस्टिनेशन बनाना जरूरी है क्या? देखिए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाए आप, यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहे, जेएनयू को तोड़ना चाहे, और उसके बाद अब उस पर भिड़े हुए थे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पे, तो आप तो निगेटिव वर्क में चले जा रहे हैं। आप बताइए, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि ये कैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे और हमारे पापा सुसाइड कर लिए क्योंकि पैसे नहीं आए, कमा नहीं पाए। आप बताइए, हम लोग क्या अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे? आप इधर उधर ना घूमिए, ठीक है? बताइए कौन सा प्रोडक्शन कार्य किए हैं आप, बताइए कुछ तो बता दे। ठीक है, हम मान लें जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शुक्ला जी और हरजीत भुल्लर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।